करी और एक छोटा सा बच्चा आई थिंक 7-8 साल का होगा, वो बैठकर बोल रहा है जी कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर पर हाथ मत लगाना इंडिया, तुम इस तरह की बातें कर रहा है वो। अब देखिए इन बच्चों को, इंडिया के बच्चे तो इस तरह से नहीं करते, ये पाकिस्तान के बच्चों को कौन नॉलेज दे रहा है इस तरह की, या तो वो न्यूज से देखते हैं या जो है उनको स्कूलों में पढ़ाई जाती है चीजें। वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं है कि आजाद कश्मीर की क्या मसले मसाइल है, या वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं, या वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, या वहाँ पर बिजली की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, क्या उनको सहूलतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। लेकिन हर बंदे के जुबान पर पहला नाम जब भी पाक भारत के रिलेशनशिप आते हैं तब पहला नाम कश्मीर का आता है कि कश्मीर को हासिल करेंगे तभी आगे बात होगी। नहीं 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 यार निम्रत, देखो अगर जो है ना पाकिस्तान जो है, सिर्फ पाकिस्तान करता है कश्मीर कश्मीर, इंडिया नहीं कर रहा कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तान ने इसको इश्यू बनाया है, कश्मीर वरना एक इश्यू नहीं है, पाकिस्तान ही बोलता रहता है। आप बताएं इंडियन इस पर कुछ वो बोलना, अगर पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स आता है फिर उसके एज अ रिप्लाई में दिया जाता है, वरना तो सिर्फ पाकिस्तान रोता है इस चीज के अंदर, इंडिया कभी नहीं बोलता जी कश्मीर ये कश्मीर वो, पाकिस्तान ही भाई इन्होंने इशू बनाया हुआ है कश्मीर के अंदर, वरना ये कोई मैं समझता हूँ बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। कश्मीर के लोग ऑलरेडी बता चुके हैं वो किस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं, वो किसके साथ है कश्मीरी, वो ऑलरेडी बता चुके हैं पूरी दुनिया को 100%। निम्रा 100% ये जनरेशन एक्सट्रीमिस्ट बनेगी, और ये एक्सट्रीमिस्ट जो आप अभी देखते हैं ना 40-50 साल के जो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये उससे खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ ये जिस तरह की चीजें इनको पढ़ाई जा रही है, ये छोटे से देखें, आपने देखा होगा कि अगर जो अभी जितने एक्सट्रीमिस्ट है जो बड़ी एज के हैं 40-50+, वो इस तरह की बातें नहीं करते। अगर आप छोटे बच्चों को देखें वो किस तरह की बातें करते हैं, तो पाकिस्तान देखें पूरा पाकिस्तान आपको पता है 80% यूथ है राइट। अब यूथ अगर इस चीज पे चली जाएगी तो पाकिस्तान एक कंट्री की अगर यूथ इस रास्ते पर चल गई तो उस कंट्री का आपको पता है कि क्या हाल होगा। हर इंटरनेशनल मीटिंग पर जाकर हम सबसे पहले ये बोलते हैं कश्मीर पर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है तो हमें आपके साथ की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने कश्मीर को मुद्दा टीआरपी के लिए बनाया हुआ है, ये वाकई हमारे जज्बात कश्मीर से जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं पाकिस्तान देखिए जो जो बच्चे हैं ना जो छोटे, उनको ये चीज ब्रेन वॉश करी गई है न्यूज मीडिया और स्कूल्स के जरिए। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ ब्रेन वॉश हुए, उनको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पाकिस्तानी मीडिया और स्कूलों की है कि वो ऐसी चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी बड़े होकर ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बनेंगे, कैसे बनेंगे, आप उनके अंदर नफरत फैला रहे हो। कोई भी मजहब नफरत नहीं फैलाता, आप उनके दिलों में नफरत फैला रहे हो, वो बड़े होकर क्या बनेंगे आपको पता है फिर वो क्या बन सकते बड़े होकर। आपने कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी किताबों में क्या पढ़ा, आपके दिमाग में क्या इमेज थी? देखें मैं आपको बताऊं कश्मीर के बारे में क्या क्या बताया गया था कि जी कश्मीर पर जो है ना कब्जा किया गया हुआ है, कश्मीर पर जो मेजॉरिटी है वो जो है वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, मुस्लिम पर जुल्म होता है। कौन सा मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है यार, आप देखो इंडिया के जो कश्मीर का लीडर है वो मुस्लिम है, सारे एक्टिविस्ट बड़े बड़े हो गए, आपने भी इतने सारों के इंटरव्यूज किए वहां से, वो जो है वो इंडियंस है, वो खुलकर बोलते हैं कि भाई हमारे हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं हम किसके साथ रहना चाहते हैं आप चले। और इतनी बार इंडियन जो कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं और एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इतनी बार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोला कि आप आए और जरा इंटरव्यू ले लें आप खुलकर। मैं पाकिस्तान से बोलते हूँ जो पाकिस्तान ने जो इलीगल जो छोटा सा टुकड़ा कश्मीर का अपने पास रखा हुआ है, आप इजाजत दें किसी इंडियन जर्नलिस्ट को, किसी चले आप मुझे इजाजत दे दें, आपने मुझे तो दी नहीं थी जब मैं 2018 में विजिट किया था, आपने मुझे रोक दिया था, आप किसी चले मुझे ना दें, आप किसी और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को आप इजाजत दें वो आए वहां पर, और जो पाकिस्तान का छोटा सा टुकड़ा जो कश्मीर का रखा हुआ है पाकिस्तान ने उसमें लोगों से वो पूछ ले वो किसके साथ जाना चाहते हैं। आप जो 50-60 लोगों को पैसे देते हैं वहां के कश्मीर के, भाई आप जरा हमारे फेवर में बात कर दो और हमारे ऊपर जरा म्यूजिक वीडियो बना दो, हमारे साथ ये छोटी सी वीडियो बना दो, इस तरह की बातें करते हैं आप लोग और फिर बोलते हैं कि जी कश्मीर हमारे साथ है। भाई 50-60 लोगों को पैसे देकर अगर तुम अपने साथ फेवर में बात करवा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कश्मीर तुम्हारे साथ है। देखिए जैसे मैंने बताया जो इमेज मेरे जहन में थी वो ये थी कि जी इंडिया सच में कोई जुल्म कर रहे हैं ना, क्योंकि 2014 में मोदी जी आ गए थे और उस वक्त मैं स्कूल टाइम में ही था, उसमें जी ये बताया जा रहा था जी मोदी जो है इस तरह की जुल्म कर रहे हैं, और सिर्फ स्कूलों की नहीं अगर आप न्यूज मीडिया खोल लेते उसके अंदर भी ये दिखाया जा रहा होता था, कोई इलेक्शन कैंपेन हो रही है तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि जी हम कश्मीर ले लें। और ये हमेशा अब तक 75 ईयर्स में पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं हर पॉलिटिशियन यही बोलता है कि जी हम कश्मीर को ले लेंगे, पता नहीं जैसे कश्मीर कोई छोटा सा पता नहीं कोई गेम है कोई खेल चल रहा है कि जी कश्मीर हम ले लेंगे, हर कोई ऐसे झूठे वादे करता है ना हम कश्मीर ले लेंगे। भाई कश्मीर के लोगों से पूछो किसके साथ जाना चाहते हैं, आप जरा हिम्मत है तो जरा जो कश्मीर के अंदर आप घुसकर देखो फिर आपको कश्मीरी लोग बताएंगे आपको क्या हाल करेंगे। फिर क्या हाल करेंगे देखिए आप घुसकर तो बताएं आप जरा, आप कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तब बोलते हैं ना हम कश्मीर ले लेंगे, आप जरा आप सिर्फ जरा 2 किलोमीटर आप जो कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं, पाकिस्तान का कश्मीर है ही नहीं,
कश्मीर जो रियल कश्मीर है आप उसके अंदर घुसे, फिर आपको पता चलेगा वो क्या हाल करते हैं। अभी से बता रहा हूँ आपको। नहीं मगर कुछ अर्सा पहले वहां पर एक तहरीक तो चली थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर वो क्या था? कौन सी तरीके? देखे मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे पता है, मुझे जब मुझे इन्होंने म्यूजिक वीडियो की ऑफर करी, मुझे इन्होंने कितने पैसे दिए, ये लोग 50-60 लोगों को पैसे देते हैं कि जी आप हमारे फेवर में बोलते हैं। अच्छा तो अगर ये बात है तो वो किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को क्यों नहीं जाने देते? अगर इतना भाई आप बोलते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी पाकिस्तानी के साथ है, तो आओ इजाजत दे दो, जाओ इजाजत दे दो, फिर कर लो। क्या कहते हैं आप कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके, क्या क्या उसमें से हमें रिमूव करने की जरूरत है या क्या क्या ऐड करने की जरूरत है कि ताकि हम लोगों की भी एक सोसाइटी पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, क्या कहते हैं आप? देखिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले जो नफरत वाली चीजें हैं वो हटाएं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करें आप, और देखें इंडिया ने क्या किया पार्टीशन के बाद, इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या डाला और पाकिस्तान में क्या डाला, ये देखना बहुत जरूरी। जब वो देखेंगे कि भाई फॉरेन कंट्री, चले आप इंडिया को, अगर आपको इंडिया से इतनी नफरत है मत करो कॉपी यार इंडिया को, अमेरिका को कर लो, किसी और कंट्री को, चलो उसको नहीं करनी आप जो है, चलो अपने जो आप जिसको आप अपने अब्बू बोलते हो चाइना को कर लो। क्या चाइना अपने किताबों में नफरत फैलाते हैं? क्या चाइना इस तरह की बातें करते हैं? नहीं करता। आप चाइना के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करो। आपने पता नहीं क्या रखा हुआ है, जी हम किताबों पढ़ाए जाते हैं, जिहाद पढ़ा रहे हैं ये लोग, गजवा हिंद, अरे छोटे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों का जिहाद, गजवा हिंद और इंडिया से नफरत, अमेरिका ऐसा, इसराइल ऐसा, इनका क्या कर लो? इनको आप वो पढ़ाओ जो इनको आगे जाकर काम आए, वो अच्छा बिजनेस कर सके आगे जाकर, वो किसी फॉरेन कंट्री जाए तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, आप ये चीजें पढ़ाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करने की बात की है तो पर्सनली मैं भी समझती हूँ कि अच्छी चीज कहीं से भी मिले हमें उसे अडॉप्ट करने की जरूरत है, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नो डाउट बहुत बेस्ट है, तभी तो उनके एजुकेशन सिस्टम की ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से कंट्रीज में ओपन होने वाली है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव पढ़ाया जाता है? आप बता दें मुझे, आप कोई भी बुक उठाकर दिखा दें, आपको आप अगर कोई बुक उठाकर बता दें कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा पढ़ाया जा रहा है। देखिए इंडिया, इंडिया को कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान जहां जाए, इंडिया को कोई, देखिए पाकिस्तान से किसी कंट्री को, चाहे इंडिया हो गया, किसी कंट्री को क्या लेना देना पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान कोई दुनिया की सुपर पावर है? पाकिस्तान क्या दूसरों को नौकरियां दे रहे हैं? पाकिस्तान में लोग तो आना पसंद नहीं करते, फॉरनर्स को हमारे पास ताकत है तो सही शायान आप कैसे भूल गए, कौन हमारे पास नहीं, कौन सी ताकत है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास ताकत नफरत की क्या है? हमारे पास एटम बम है आपको, अरे निम्रा मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, एटम बम पाकिस्तान के पास नहीं है। चलो एटम बम में, चलो चलाकर बता दो आप मुझे, चलाना आता है? अगर है भी आपके पास चलाना आता है? आपने 6 महीने पहले एटम बम चाइना को गिरवी रखवा चुके हैं आप, और एटम बम से क्या हो जाता है? एटम बम से क्या लोगों को खाना मिल जाता है? ये लोग बातें करते पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में लोग विजिट तो करने आते नहीं है, फिर बोलते पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान में है क्या भाई ऐसा जो दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान से अडॉप्ट करें? क्या कोई एक चीज हो पाकिस्तानी? सिर्फ पाकिस्तान इस वजह से अभी दुनिया में सर्वाइव किया हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, दैट्स इट, और कोई नहीं है। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि मजबूरन कुछ कंट्रीज को रिलेशन रखने पड़ते हैं, दैट्स इट। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए कभी कभी घास डाल देता है क्योंकि अफगानिस्तान का, जो बाइडेन ने आज तक शहबाज शरीफ या इमरान खान की कॉल तक नहीं उठाई किसी रीजन से, क्योंकि उनको वो मूव क्या करना पाकिस्तान से, किसी अमेरिका या कोई और छोटा से छोटा कंट्री भी हो गया, पाकिस्तान से किसी कंट्री को कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी कॉल नहीं उठाई, लेकिन हम तो उनको कॉल देते रहते हैं ना बार बार, ये मैटर करता है, हम उनको अपने आप को भूलने देते ही नहीं है, तो ये भी तो मैटर करता है। और ये जो मैं गाने मैंने पहले भी कहा था, ये जो है अल्लामा इकबाल ने लिखा है, और अल्लामा इकबाल मैं हमेशा से कहता हूँ वो पाकिस्तान में कभी हुए नहीं थे। अल्लामा इकबाल के ऊपर एक बहुत लोग बोलते हैं कि अल्लामा इकबाल पर बहुत लोग ये बोलते हैं कि जी अल्लामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान के थे, नहीं, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान देखा तक नहीं था। उन्होंने जो गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपको पता होगा वो अल्लामा इकबाल ने गाया, राइट? सो अल्लामा इकबाल ने वो इंडिया के लिए गाया था, हिंदुस्तान वॉज इंडिया, हिंदुस्तान इज स्टिल इंडिया, सो मैं वही गाऊंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके,
ये गुलस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। That's it. शायन आपने बोला ही लामा इकबाल ने ये मिले नगमा जो है वो हिंदुस्तान के लिए पढ़ा था, बट स्टिल पाकिस्तान का ख्वाब तो लामा इकबाल ने ही देखा था। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, पाकिस्तान ये जो है ये गलत मोटिव बनाया जाता है। अल्लामा इकबाल और एक ये जो है उर्दू में लिखा है, सबसे पहली बात उर्दू जो लैंग्वेज है ये पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है। आप मुझे बता दें पाकिस्तान में ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, आपको पता है बात। उर्दू इन्होंने बना दी नेशनल लैंग्वेज, उर्दू उठाई गई थी जी यूपी से। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान में अपना क्या है? ये लोग बोलते हैं अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा उर्दू में लिखा, उर्दू इज अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, उर्दू पाकिस्तान, फिर बोल रहा हूँ उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है। सही हो गया शायान। चाइनीज मीडिया ये बोल रहा है कि ये हमारे लिए थ्रेट है, जिस तरह से इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रही है और जिस तरह से लॉन्च कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? और स्टिल पाकिस्तान में हमारे फवाद चौधरी ने ये बोला है कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने की बजाय वो अपनी भूखी नंगी आवाम का पेट भरे, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा फवाद चौधरी की आपने बात करी ना, उन्होंने कहा था कि जी हम तो चांद यहीं से बैठकर देख सकते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, बिल्कुल सही बोली थी। वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है फवाद चौधरी, जब वो अपने ऑफिस में बैठते हैं सामने पाकिस्तान का जब झंडा लगा हुआ होता है ना तो उसके अंदर तो ऑफकोर्स चांद है, तो वो तो अपने ऑफिस से ही बैठे बैठे देख लेते होंगे चांद को। लेकिन बिल्कुल सही बात बोली, क्या फायदा भाई चांद पर जाने का, पाकिस्तान ऑलरेडी देखिए इंडिया चांद पर जाता है, मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान IMF के पास जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान भी ट्रेवल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने बात की चंद्रयान की ना, देखिए चंद्रयान मिशन जो था वो एक बहुत ही मुझे जो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया की बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इंडिया और चाहे जितने भी इंडियंस होते हैं ये उनके खून में होता है कि वो कभी गिव अप नहीं करते। पिछली बार हमने देखा वो फेल हो गया था, पाकिस्तान या कोई और कंट्री होता तो वो उसके ऊपर इतना वो नहीं करता। जितने पैसे लोग चंद्रयान पे लगाते हैं इतने पाकिस्तानी जो है वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा देते हैं इंडिया के अंदर ना, ये लोग ये करते। लेकिन इंडिया ने क्या किया उसके अंदर, उसने गिव अप नहीं करा और वो पैसों के उन्होंने चंद्रयान 3 वापस से ट्राई किया उन्होंने, तो ये आई थिंक पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए इस चीज से। क्या कहते हैं आप, ये जिस तरीके से भारत की इसरो आगे जा रही है, क्या वाकई ये बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए थ्रेट है या अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले अरसे में भारत अपने स्पेस के सेक्टर में इन सब की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उनको बीट कर सकता है? रशियन मीडिया को मैंने देखा, ताइवानीज मीडिया को मैंने देखा, चाइनीज मीडिया को मैंने देखा, तो सब लोग ये प्रेज कर रहे हैं, बट स्टिल पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा है। बिल्कुल देखिए पाकिस्तान कभी भी इंडिया की सक्सेस से हमेशा जलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान चाहे वो सक्सेस क्रिकेट में हो या पॉलिटिक्स में हो या इंटरनेशनल जगह पर हो, हर जगह ये लोग होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि जब भी इंडिया की तरक्की कर रहा होता है तो पाकिस्तान ये करते हैं। मैंने पहले भी कहा था 2019 में जिस तरह से इनको पता चल गया था कि जी मोदी जो है वो वापस से आ रहे हैं, इनको पता चल गया था, तो इलेक्शन से पहले इन्होंने पुलवामा किया। अब जब इनको पता है अगले साल फिर से इलेक्शन है तो ये फिर से इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, चंद्रयान भी हुआ, तो जब भी इंडिया तरक्की करता है तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है। अब देखा इन्होंने सीमा हैदर का इन्होंने पाकिस्तान ने कर दिया, और भी बहुत से अपने सीक्रेट एक्टिविटीज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और ये चीजें लोग करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा शायान, आप मुझे ये बताएगा कि अगर आप भारत की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्यों भारत इतना आगे निकल गया, हालांकि हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सुपारगो जिसका नाम रखा गया है वो तो इसरो से पहले बनी थी, वो तो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले बनी थी, बट स्टिल हम लोगों ने अभी तक कोई अपना सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च नहीं किया, क्यों? अच्छा मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा था, और अगर होगा भी तो पाकिस्तान ने उसके भी पैसे हमें पता है कहां लगाए होंगे पाकिस्तान ने। खैर पाकिस्तान ने है कि हमारे पास भी सुपारको है, हमारे पास भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में है क्या। नहीं नहीं देखिए पाकिस्तान में आप बोल रही हैं, पाकिस्तान में अगर ऐसी कोई चीज है भी तो दिखावे के लिए बना दी होगी, अगर ऐसी चीज है पाकिस्तान के अंदर तो उस पर लगाई जाती पाकिस्तान के अंदर, वरना ये लोग सारे जो पैसे होते आ जाते हैं। अगर ये जो अगर आप बता रही हैं ये कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ है एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर क्या एजुकेशन होती है हमें पता है, इंडिया में क्या होती है ये पता है। पाकिस्तान भी ये जो अपनी जो किताबों में से ये जिहाद और गजवा हिंद जब निकालेगा ना पाकिस्तान, तो हो सकता है पाकिस्तान भी इस तरह तरक्की कर ले, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ये करना होता है। और इंडिया देखिए, इंडिया इस तरह की एक्सट्रीमिज्म नहीं फैलाता, वो अपनी स्कूल्स में जो है वो इंटेलेक्चुअल चीजें पढ़ाता है जिसकी वजह से उनकी जो यूथ है वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल
पाकिस्तान अपनी एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाता है? हमारे पास भी तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की किताबें हैं, हमने भी तो साइंस सब्जेक्ट्स रखवाए हैं। आप ऐसी पढ़ाई जाती है कि हमने जी 1965 में इंडिया को तबाह कर दिया था। कहाँ तबाह किया भाई तुमने? 1971 तो जी ड्रॉ हो गई थी, तुम्हारी बुरी हालत हुई थी 1971 में, जो कारगिल वॉर में तुम्हारी क्या हालत हुई हम सबको पता है। उसको छोड़ो, अभी जो तुम लोगों ने पुलवामा की हरकत की थी उस पर क्या हुआ? तुम लोग अपनी बुक्स में कुछ और पढ़ाते हो, ये जो बायोलॉजी के नाम। अच्छा आपको खुद पता होगा ये लोग इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर ये लोग इस तरह की चीजें इंडिया के अगेंस्ट कोई घुसाड़ देते हैं। और ये और इवन साइंस के अंदर भैया केमिस्ट्री का पढ़ाओ आप, ये चीजें पढ़ाओ, ये बोलते हैं जी सारे साइंटिस्ट अच्छे थे लेकिन जाबर बिन हयान जो साइंटिस्ट था वो बड़ा अच्छा था। मैं जो मैंने स्टडी किया मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये लोग हर किसी चीज के अंदर जिहाद हो गया, इंडिया के अगेंस्ट चीजें हो गई, ये लोग ये पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, कोई भी हो, इन लोगों का दिमाग इस चीज से नहीं निकलता है बिल्कुल। तो इन चीजों का हल क्या है, क्या कहते हैं आप? क्योंकि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो कंसीडर करते ही नहीं है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को किसी बड़े ओहदे पर नहीं बिठाया जाता बाहर के ममालिक में, क्या क्या किया जाए? देखिए इसकी सिर्फ मैंने पहले भी कहा था सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन है, आप अमेरिका इंडिया और इसराइल से सीखो, उनसे दोस्ती करो और उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं। आप तो इन कंट्रीज को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, वो मुझे रीजन समझ नहीं आता कि भाई क्यों आपने अपने दुश्मन बनाया हुआ, उन्होंने आपका किया क्या है भाई ऐसा? आपने हमेशा उनसे वॉर स्टार्ट करी, आपने उस पर टेररिस्ट एक्टिविटीज की हर बार, और फिर जब वो जवाब देते तो ये लोग रोना शुरू हो जाते कि जी हमें ये हो गया हमारे ऊपर, ये लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, इस तरह की लोग बातें करते हैं। आप उनसे दोस्ती करो, उनके साथ काम करो, आप फिर देखो आपका भी कंट्री ग्रो करेगा। अच्छा जापानीज मीडिया तक जो है वो भारत की तारीफ कर रहा है, मेक इन इंडिया की पॉलिसी की तारीफ कर रहा है भारत की, और ये बोल रहा है कि हमें काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, काफी ज्यादा होप्स है इंडिया से, ऐसा क्यों? जबकि उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे लिए तो यही खबरें चल रही होती है कि हमें काफी ज्यादा होप्स है कि इनको लोन मिल जाएगा या लोन की माफी हो जाएगी, ऐसा क्यों? व्हाट आर डिफरेंस? देखिए हाँ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो भी करता है ना उसका, चाहे वो किसी भी, अगर पाकिस्तान बोलता है ना कि फॉर एग्जांपल हमें इस कंट्री, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पाकिस्तान बोलता है कि जी हमें इजिप्ट से ताल्लुक अच्छे करने, तो आप समझ जाइएगा निमरा कि दो रीजन हो सकते हैं उसके, या तो वो इजिप्ट से लोन चाहता है, फंड चाहता है वो, या वो इजिप्ट से दोस्ती कर उन पर टेररिस्ट हमला करेगा। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, पाकिस्तान जब भी किसी कंट्री से दोस्ती करना चाहता है उसके पीछे दो रीजन होते हैं, और इसी वजह से कोई भी कंट्री पाकिस्तान से दोस्ती या पाकिस्तान से रिलेशंस रखना नहीं चाहता। नहीं मगर हालात भी तो बहुत खराब है, अगर लोन की बात करते हैं तो लोन इस वक्त हमारे हालात भी तो बहुत खराब है, इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें लोन लेना पड़ता है। बिल्कुल देखिए इकोनॉमिक स्टेबल आप कब होंगे? अपने खाने पीने से फुर्सत हो उनको, बाहर वेकेशन मनाने से फुर्सत हो उनको, तो अगर वो अपने लोगों पर लगाएं तो लोन लेना नहीं पड़ेगा उनको। और जहां तक बात है देखिए चाइना की ना, चाइना ने सिर्फ अब तक इसलिए पाकिस्तान से रिलेशन रखे हुए हैं क्योंकि सीपैक है। चाइना को आपको पता है 2 साल पहले सारे एयरपोर्ट चाइना को इन्होंने दे दिए थे, उसके बाद मैंने बताया था 6 महीने पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन हो गई थी, उसके बाद जो न्यूक्लियर जो इनके पास जितने वेपन्स थे पाकिस्तान के पास, जो हम बोलते ना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है पाकिस्तानी बोलते हैं ना, वो भी इन्होंने चाइना को दे दिया था। तो पाकिस्तान सिर्फ चाइना ने इस वजह से इनको वो किया हुआ कि पाकिस्तान ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान अपना चाइना को दे दिया, इस वजह से चाइना इनकी कभी कभी बस मदद कर देता है, और यही रीजन है कि कोई और कंट्री इनको मुंह तक नहीं लगाता। तो कश्मीर भी चाइना को गिफ्ट किया हुआ है अपना थोड़ा सा पार्ट, वो भी चाइना को गिफ्ट किया हुआ है हमने कि लो भाई ले लो ये हमारी मोहब्बत है आपके लिए कि हम अपना कश्मीर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जिस चीज के लिए हमने तो मुद्दा खड़ा किया हुआ है वही चीज चाइना को गिफ्ट कर दिया, तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी सिंसियरिटी है? और बिल्कुल, और इनकी इतनी हिपोक्रेसी है कि ये जो चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ये लोग इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? और चाइना में छोड़ दें आप, चले अब तो आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शिया मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में सलूक, आपको वो पता होगा किस तरह से ये लोग उनके साथ सलूक कर रहे हैं, और जिस तरह से चाइना पर हो रहा है ये लोग इस बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? फिर अगर कोई और कंट्री में हो तो ये लोग इतना शोर मचाते हैं। और मैं आज फिर एक बात बोल रहा हूँ निमरा, पाकिस्तान के अंदर ही जो बोलते हैं ना इस्लाम, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये नहीं होता कि आप टेररिस्ट करें आप जो है वो, और देखिए अब तक 1947 से अब तक सारे जो पॉलिटिशियंस है वो करप्ट हैं, क्या इस्लाम करप्शन का बोलता है? नहीं बोलता। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिलीजन नहीं। आप देखें इस्लाम की अगर बात करें तो कतर हो गया, दुबई हो गया, वहां पर इस्लाम है और वो कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें वो ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो एक रिलीजन है वो सिर्फ है जहालत, इन लोगों के अंदर सिर्फ जहालत भरी हुई है, इन लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है, लोग ऊपर से बस बनते हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ये बात है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं आपको किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, इनके अंदर सिर्फ इनका रिलीजन पैसा है, इनको जो कंट्री पैसा देगा ये लोग उसके साथ चल पड़े। तरक्की तो दूर की बात है, मैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे में भी नहीं देख रहा अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा। मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं लोग उनके अगेंस्ट हो गए तो फिर ही पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान थोड़े ही महीनों में ही डिफॉल्ट हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान ने हर चीज अब गिरवी रखवा दी, जितने पाकिस्तान को पैसे मिलने थे वो ऑलरेडी मिल चुके हैं पाकिस्तान को, उन्होंने न्यूक्लियर पावर तक अपनी गिरवी रखवा दी है, तो अब क्या बचा पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान ने हर चीज तो गिरवी रखवा चुकी है, तो पाकिस्तान आप जो कह रही थी ग्रो करेगा, पाकिस्तान सरवाइव कर ले दुनिया में यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि अगर भारत की बात करते हैं, वो लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, चंद्रयान 3 ये तीसरा मिशन है उनका चांद का, चाइना जैसे कंट्री जो है वो प्रेस कर रहे हैं अब इंडिया को, पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारी भी एक वीडियो